नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चैलेंज कर पीओके में रैली करने का न्योता दिया है। पाकिस्तानी विदेश मंत्री महमूद कुरैशी ने पीएम मोदी को पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की राजधानी मुजफ्फराबाद में रैली करने का न्योता दिया, साथ ही इमरान खान को श्रीनगर जाने की अनुमति देने की मांग कर डाली है। कुरैशी ने कहा कि इससे दुनिया को पता चल जाएगा कि किस नेता का कितना स्वागत कश्मीर में होता है। झारखंड मौसम विभाग के द्वारा राज्य में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग के अनुसार दिन में कई बार गरज के साथ हल्के से मध्य दर्ज की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के बुलेटिन में बताया गया है कि राज्य में मानसून का टर्फ लाइन डाल्टनगंज के पास बना हुआ है। राज्य भर में 24 घंटे के अंदर पूर्ण रूप से मानसून सक्रिय रहेगा। NCERT के गाइडलाइन पर मिलेंगे डिजिटल कंटेंट। राज्य के सरकारी स्कूलों के बच्चों को अब राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद के गाइडलाइन के आधार पर डिजिटल कंटेंट उपलब्ध कराए जाएंगे। झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद इसकी तैयारी कर रहा है। आपको बता दें कि अगले सप्ताह से इसी आधार पर डिजिटल कंटेंट उपलब्ध कराए जाएंगे, जिसमें वीडियो कंटेंट के साथ साथ एक्टिविटी के जरिए भी बच्चे को सिखाया जाएगा। झारखंड में आज 626 नए संक्रमितों की पुष्टि हुई, जो रांची से 267, पूर्वी सिंहभूम 95, लातेहार 35, देवघर 35, खूंटी 31, पलामू 30, सरायकेला 28, हजारीबाग 20, गोड्डा 14, रामगढ़ 13, बोकारो 12, गढ़वा 9, धनबाद 7, लोहरदगा 7, सिमडेगा 6, गुमला 5, साहिबगंज 5, जामताड़ा 3, कोडरमा 2, पश्चिमी सिंहभूम से 2 हैं। झारखंड में कुल संक्रमितों की संख्या 15756 है, जबकि 6594 लोग स्वस्थ हुए और 145 की मृत्यु हो गई। भारत में कुल संक्रमितों की संख्या 20,25,409 है, जबकि 13,77,384 लोग स्वस्थ हुए और 41,638 की मृत्यु हो गई। भारत में नए केस 62,170 मिले हैं, जबकि 50,141 लोग स्वस्थ हुए और 899 की मृत्यु हुई है। राज्य में पिछले 24 घंटे में 9 संक्रमितों की मृत्यु हुई है, जो जमशेदपुर से 7, साहिबगंज से 1 और गढ़वा से 1 हैं। आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे में 680 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। एक्टिव मरीज इस प्रकार हैं: रांची 1976, पूर्वी सिंहभूम 1742, देवघर 421, गोड्डा 418, हजारीबाग 414, धनबाद 320, गढ़वा 309, गुमला 287, खुट्टी 237, कोडरमा 329, पलामू 327, लातेहार 277, पश्चिमी सिंहभूम 218, बोकारो 213, पाकुड़ 213, साहिबगंज 205, सरायकेला 203, चतरा 197, रामगढ़ 185, सिमडेगा 153। शिक्षकों के गृह जिला में स्थानांतरण की मांग। झारखंड प्रारंभिक शिक्षक संघ ने शिक्षकों के अंतर जिला स्थानांतरण की मांग की है। संघ द्वारा शिक्षकों के स्थानांतरण को लेकर चरणबद्ध आंदोलन भी चलाया जा रहा है। आंदोलन के तीसरे चरण में बुधवार को राज्य भर के लगभग 5,000 शिक्षकों ने फेसबुक व मैसेंजर के माध्यम से मुख्यमंत्री को, शिक्षा मंत्री को अपनी मांग से अवगत कराया। रांची से 30 लाख की नकली शराब के साथ 5 गिरफ्तार। राजधानी रांची में पुलिस ने नकली शराब का कारोबार करने वाले का खुलासा किया है। नकली शराब की तस्करों करने वाले 5 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया। ये लोग ब्रांडेड शराब के नाम पर लोगों को नकली शराब बेचा करते थे। इस सिलसिले में पुलिस ने गुरुवार को 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि वे लोग बंगाल और बिहार के रहने वाले हैं। श्री राम मंदिर निर्माण दुनिया भर के हिंदुओं की आस्था का प्रतीक, अर्जुन मुंडा। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा है कि अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण दुनिया भर के हिंदुओं की आस्था का प्रतीक है। मुंडा ने एक बयान में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर का भूमि पूजन करके करोड़ों लोगों की आस्था को सम्मान दिया है। शिक्षा मंत्री ने मनरेगा कर्मियों को दिए आश्वासन। राज्य भर के मनरेगा कर्मियों को 10वें दिन हड़ताल पर रहे। बुधवार को राज्य के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने झारखंड राज्य मनरेगा कर्मचारी संघ के प्रदेश कमेटी के सदस्यों को बुलाया। पदाधिकारियों ने शिक्षा मंत्री को उनकी मांग सहित पूरे मामले में अवगत कराया। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि विभाग की ओर से कोई कार्रवाई नहीं हुई है, ऐसे में लगातार हड़ताल पर हड़ताल जाना पड़ रहा है। आपको बता दें कि मंत्री ने मनरेगा कर्मियों व सरकार के बीच मध्यस्थता करने की बात कही है। इंटर संपूरक परीक्षा फॉर्म 26 अगस्त तक जमा करें, पारा शिक्षा का मानदेय 10 अगस्त तक। भारत सरकार ने झारखंड शिक्षा परियोजना को 186 करोड़ रुपए आवंटित कर दिए हैं। पारा शिक्षकों को जून माह का मानदेय का भुगतान 10 अगस्त तक कर दिया जाएगा।
उधर इंटरमीडिएट संपूरक परीक्षा 2020 का परीक्षा फॉर्म गुरुवार से जमा होने लगा है। परीक्षार्थी बिना विलम्ब शुल्क 26 अगस्त जबकि विलम्ब शुल्क के साथ 5 सितंबर तक आवेदन जमा कर सकते हैं। आपको बता दें कि इसकी परीक्षा अक्टूबर में होने की संभावना है। सरकारी स्कूलों में 8वीं के विद्यार्थियों को मिलेगी साइकिल के लिए 3500 रुपये। झारखंड के सरकारी स्कूलों में 8वीं में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को साइकिल खरीदने के लिए राशि दी जाएगी। शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए प्रति छात्र छात्रा साइकिल के लिए DBT के जरिए 3500 रुपये दिए जाएंगे। आपको बता दें कि झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने सभी जिलों से 8वीं में पढ़ने वालों सामान्य वर्ग के छात्र छात्राओं की संख्या मांगी है। 20 अगस्त तक सभी जिलों को छात्र छात्राओं की जिलावार, प्रखंडवार, विद्यालयवार सूची उपलब्ध कराने को कहा है। 4 लाख प्रवासी को प्रशिक्षण देगा कौशल विकास विभाग। संक्रमण काल में दूसरे प्रदेश से लौटे प्रवासी कामगारों को राज्य सरकार प्रशिक्षित करेगी। झारखंड कौशल विकास मिशन सोसाइटी ने राज्य की 3,32,771 प्रवासी मजदूरों को चयन किया है, जिन्हें शॉर्ट टाइम ट्रेनिंग दी जाएगी। आपको बता दें कि यह प्रशिक्षण जिलावार दिया जाएगा। इसके लिए जिला कौशल पदाधिकारी और जिला कौशल समन्वयकों को जिम्मा दी गई है। मुंडा और भूमिज को अनिवार्य भाषा में सम्मिलित करे सरकार, नीलकंठ सिंह मुंडा। राज्य के पूर्व मंत्री नीलकंठ सिंह मुंडा ने सरकार से मुंडा और भूमिज भाषा को भी प्राथमिक स्तर पर अनिवार्य भाषा में सम्मिलित करने की मांग की है। इस संबंध में उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है। कार्डधारियों को समय से नहीं मिल रहा राशन। कार्डधारियों को समय से सरकारी राशन नहीं मिल पा रहा है। राशन डीलर कटौती भी कर रहे हैं। लिस्ट में नाम नहीं है की बात करते हुए कईयों को पिछले कई माह से राशन तक नहीं दे रहे हैं। ऐसे में जिला आपूर्ति कार्यालय की शिकायत पेटी में 1 दर्जन से अधिक लोगों ने इसकी शिकायत की है। आपको बता दें कि संक्रमण की वजह से जिला आपूर्ति कार्यालय में बाहरी व्यक्तियों की प्रवेश पर फिलहाल पाबंदी लगा दी गई है। अहमदाबाद अस्पताल को लेकर राज्यपाल और मुख्यमंत्री हेमंत ने शोक जताया। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अहमदाबाद के अस्पताल में हुए अग्निकांड में लोगों की मौत पर दुख व्यक्त किया है। राज्यपाल ने कहा है कि अहमदाबाद अस्पताल अग्निकांड में लोगों की मौत पर गहरा दुख हुआ है। मृतकों के परिजनों को दुख सहने की शक्ति मिले। उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी की है। काम पर नहीं लौटे स्वास्थ्य कर्मी पर कार्रवाई। सदर अस्पताल में हड़ताली स्वास्थ्य कर्मियों से जिला प्रशासन ने हड़ताल समाप्त कर काम पर लौटने को कहा है। काम पर नहीं लौटने वालों के खिलाफ महामारी और आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। SDO लोकेश मिश्रा ने हड़ताल कर्मी के साथ वार्ता की। SDO ने कहा कि आपदा की इस घड़ी में सेवा देना सभी का मौलिक कर्तव्य है। देवघर डीलरों द्वारा सड़े चने का किया जा रहा वितरण। सरकार के द्वारा जन वितरण प्रणाली के दुकान के माध्यम से हर BPL कार्डधारी के परिवार को 1 किलो चना प्रति परिवार देने की व्यवस्था की गई है, लेकिन यह चना गुणवत्ता के पैमाने पर फेल है। देवघर के हथगढ़ में स्थित जन वितरण प्रणाली दुकानें में गरीबों को मिलने वाले चना की गुणवत्ता इतनी खराब है कि इसे मवेशी भी नहीं खा सकते, लेकिन फिर भी सिस्टम का हवाला देते हुए इन्हें चना दिया जा रहा है। पंचायत सचिव रिजल्ट की मांग। सिमडेगा जिला के कई लोगों ने विधायक भूषण बड़ा को ज्ञापन सौंप कर इंटरमीडिएट स्तर संयुक्त प्रतियोगिता के तहत पंचायत सचिव एवं LDC परीक्षा 2017 का फाइनल रिजल्ट प्रकाशित करने की मांग की है। परीक्षार्थियों ने कहा है कि 3 वर्ष बाद भी परीक्षा का फाइनल रिजल्ट प्रकाशित नहीं हो पाया है, जिस पर विधायक ने CM से मिलकर परीक्षा का रिजल्ट जल्द प्रकाशित करने की मांग करने का आश्वासन दिया है। गिरिडीह गढ़वा का बिजली संकट होगा दूर, मुख्यमंत्री। गढ़वा और गिरिडीह में आने वाले दिनों में बिजली की किल्लत दूर होगी। दोनों स्थानों पर बना पावर सब स्टेशन जल्द ही चार्ज होगा। इसे लेकर जिला से सटे इलाकों में भी बिजली आपूर्ति की व्यवस्था बेहतर होगी। आपको बता दें कि 15 अगस्त से पहले काम को पूरा कर लिया जाएगा। जमशेदपुर मंदिर में रामधुन बजाने पर पुलिस ने हटवा दिया था लाउडस्पीकर। DGP ने दिया कार्रवाई का आदेश। जमशेदपुर के कदमा थाना क्षेत्र स्थित एक मंदिर में बुधवार को लाउडस्पीकर से बज रहे रामधुन को बंद करवा कर वहां की पुलिस ने लाउडस्पीकर हटवा दिया था, जो ट्विटर पर वायरल हुई। इसे लेते हुए DGP MB राव ने इस पर तुरंत संज्ञान लिया। उन्होंने पुलिस को निर्देश दिया है कि इस मामले की जांच कर सही निर्णय ले। अधिकारियों के यह अभी स्पष्ट कहा गया है कि धार्मिक भावना को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए।
हाथियों से बचाव के लिए आम लोगों को करे प्रशिक्षित सिमडेगा उपायुक्त। सिमडेगा उपायुक्त सुशांत गौरव की अध्यक्षता में हाथी मेरी साथी विषय से संबंधित समीक्षा बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें विधायक ने समीक्षा के दौरान कहा कि मानव एवं हाथी के बीच का संघर्ष भोजन एवं पानी से है। जंगलों में वन प्राणियों से जुड़ा पेड़ पौधे लगाए जाएं, जिससे कि हाथियों को गांव में आने से रोका जा सके। खूंटी जिले में निर्बाध बिजली व्यवस्था करें अधिकारी उपायुक्त। खूंटी उपायुक्त शशि रंजन ने विद्युत विभाग के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि वे निर्बाध बिजली व्यवस्था को सुदृढ़ करें। उपायुक्त गुरुवार को अपने कार्यालय कक्ष में विद्युत विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक को संबोधित कर रहे थे। डीसी ने जिले में बिजली व्यवस्था को बेहतर एवं सुदृढ़ करने के लिए सब स्टेशन व पावर ट्रांसमिशन लाइन से संबंधित जानकारी प्राप्त की। विश्व आदिवासी दिवस मनाने को लेकर बैठक हुई। विश्व आदिवासी दिवस मनाने को लेकर गुरुवार को जय आदिवासी केंद्रीय परिषद की बैठक नगरा टोली में हुई। जानकारी दी गई कि परिषद ने विश्व आदिवासी दिवस को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू और वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव को ज्ञापन सौंपा है। चरमराई अर्थव्यवस्था की तरह नई शिक्षा नीति का हो जाएगा हाल। कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस कमेटी प्रवक्ता आलोक दुबे ने कहा कि कोरोना के बीच ही अचानक घोषित नई शिक्षा नीति सिर्फ आडंबर तक सीमित है। भाजपा आरएसएस के एजेंडे पर आगे बढ़ने से आने वाले समय में देश की चरमराई अर्थव्यवस्था की तरह ही शैक्षणिक व्यवस्था का हाल हो जाएगा। प्रवक्ता डॉक्टर राजेश गुप्ता ने कहा कि शिक्षा नीति 2020 का मुख्य केंद्र ऑनलाइन शिक्षा है, जबकि हकीकत यह है कि देश के केवल 10% सरकारी स्कूलों में ही कंप्यूटर हैं। मुंडा भूमिज को नियुक्ति व पढ़ाई में मिले प्राथमिकता। नीलकंठ सिंह मुंडा खूंटी के विधायक और राज्य के पूर्व ग्रामीण विकास मंत्री नीलकंठ सिंह मुंडा ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर मुंडा भूमिज को सरकारी नियुक्ति में प्राथमिकता देने और प्राथमिक स्तर पर इस क्षेत्र में मुंडारी और अन्य क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा देने की मांग की है। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बॉल का बेल आइकन दबाइए, साथ ही साथ वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों को व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर शेयर करें। आप कमेंट में अपना सुझाव दे सकते हैं। थैंक यू।